हे माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज सलोनी पांडे योर साइकोलॉजी एजुकेटेड एंड आई वेलकम यू टू येट चैनल मैग्नेट बेन्स जहां पर आपको मिलती है हंड्रेड परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेडन एंड स्टूडेंट्स इन टूडेजर चैप्टर टॉपिक क्लाइंट सेंटर थेरेपी एंड गेस्टॉल थे क्लास ट्वेल्व साइकोलॉजी सो एज यू ऑल नो के इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमनिस्टिक एक्सिटेंशियल थेरेपी एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस दी लोगो थेरेपी ऑफ विक्टर फ्राइन

अगर क्लाइंट सेंटर्ड में है तो ये बन गई क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नाम तो यही कहता है ना अब इन रियलिटी में भी ऐसे ही होता है देखो कैसे सो क्लाइंट सेंटर है अब रॉगर्स ने क्या किया ही कंबाइंड साइंटिफिक रिगर इंडिविजुअलाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड साइकोथेरेपी उन्होंने जो साइंटिफिक और जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है की उनको सबको मिला दिया और एक नई थेरेपी बनाई जिसका कंसेप्ट था सेल्फ विथ फ्रीडम एंड चॉइस एज अ कोर ऑफ वंस बींग मान लो ये मेरा क्लाइंट है तो मेरे क्लाइंट की कुछ चीजें हैं जो कोर हैं उसकी जैसे उसका सेल्फ उसकी फ्रीडम और उसकी अपनी चॉइस आप सोच रहे होंगे क्या बोला गया क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया देखो मैं फिर से समझाती हूँ रॉगर्स ब्रॉड इन टू साइकोथेरेपी द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विथ फ्रीडम एंड चॉइस इज द कोर ऑफ वन बीट

फ्रीडम हो आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हो मान लो आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो आपके पास फ्रीडम ही नहीं है आप बोलते हो कि मुझे जो है टीचर बनना है लेकिन आपके पास फ्रीडम ही नहीं है आप पढ़ाई की ही फ्रीडम नहीं है आपके पास आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो फ्रीडम एक चीज लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी काम करने के लिए मान लो आपको रोक टोक हो और आप कर ही नहीं सकते तो आप कैसे लाइफ में ग्रो करोगे पर्सनल ग्रोथ की बात हम करते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो कैसे होगा और दूसरा चॉइसिस हमेशा हमारे पास में चॉइसिस होनी चाहिए सो द थेरेपी प्रोवाइड अ वार्म रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट कैन री कनेक्ट विथ हिज और हर डिस इंटीग्रेटेड फीलिंग्स तो ये जो हमारी थेरेपी है ये एक वार्म रिलेशनशिप की बात करती है जहां पर जो हमारा क्लाइंट है वो अपने डिस इंटीग्रेटेड फीलिंग्स के साथ में वापस से रिकनेक्ट कर सकता है मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आपने ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आपको ये चीजें आगे समझ में आएंगी मैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है तो उसको पढ़ने के बाद ही आगे का समझ में आएगा तो थेरेपी बात करती है ग्रोथ की सेल्फ एक्चुलाइजेशन की इमोशनल एक्सप्रेशन की इन चीजों की तो रॉगर्स बोलते हैं इस थेरेपी के थ्रू कि क्लाइंट जो है वो अपनी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स के साथ में वापस से रिकनेक्ट कर सके बहुत बार ऐसा होता है हम बहुत सी चीज़ें फील करते हैं पर उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन्हें बता नहीं पाते और खुल के उन पर बात नहीं कर पाते उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो हमारे डिज़ायर्स होते तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स के साथ में आप वापस से एक बार रिकनेक्ट कर सको उसकी बात यहाँ क्लाइंट सेंटर थेरेपी में रॉगर्स करते हैं द थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी और यहाँ जो थेरेपिस्ट होगा वो अपने क्लाइंट के साथ में एम्पेथी रखेगा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रखेगा वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ वो ये बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम जो भी फील करते हो मुझे बताओ मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ मुझे तुम्हारा दुख फील होता है नहीं मैं तुम्हारे को समझ पा रहा हूँ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस जो तुम बोल रहे हो वो सब मैं समझ पा रहा हूँ राइट एम्पैथी और सिंपथी का डिफरेंस आई होप दैट इज क्लियर टू यू सो अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स एक्सपीरियंस इफ इट वर हिज और हर ओन इज वल रिगार्ड इजोल एक्सेप्टेंस ऑफ द्लाइंट एज ही और शी इज तो यहां पर जो थेरेपिस्ट है उसको अपने क्लाइंट के साथ में एम्पैथी रखनी होगी और साथ ही साथ में उसको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को इस तरह से समझना होगा जैसे ये उसकी खुद की प्रॉब्लम है और कभी भी अपने क्लाइंट को जज नहीं करना है वो जैसा भी है उसको वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना मान लो

सो एम्पैथी बिटवीन द क्लाइंट जब ये एम्पैथी और या मैं ऐसा कहूँ जब ये एक और के बीच में बनती है तो इमोशनल रेजोनेंस होता है अनकंडीशनल रिगार्ड इंडिकेट्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट द क्लाइंट रिवील इन द थेपी से यहाँ पर यह बताता है कि जो थेरेपिस्ट एक पॉजिटिव वार्म एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है वो इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि क्लाइंट क्या रिवील करता है या थेरेपी सेशन में वो क्या करता है इट इज जस्ट कि क्लाइंट जैसा भी है बिना उसको जज किए यू मस्ट एक्सेप्ट हिम और हर नॉट दिस यूनिक अनकंडीशनल वैट द्लाइंट फील सिक्योर एंड कैन ट्रस्टेड जैसे मान लो आपका कोई क्लाइंट है बाहर जाके बोलेगा कि मेरे को बम की फैक्ट्री बनानी है और मैं उसको गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दूंगा आप थेरेपिस्ट और वो आपको बोलता है मुझे बम की फैक्ट्री बनानी बम उठा के गवर्नमेंट पे फेंक दूंगा तो आप बोलोगे ठीक है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं ठीक है लेकिन बैठो मेरे पास मुझसे डिस्कशन तो करो कि तुम ऐसा सोचते हो तो क्यों सोचते हो है ना दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड तो यहां पे हाँ यारे को समझा है ये मेरे साथ में तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा तो क्लाइंट कुछ भी कहे यू यू मस्ट हैव टू मेक हिम फील सिक्योर और वो अपने थेरेपिस्ट को ट्रस्ट करे ये थेरेपिस्ट का काम होता है कि आप कैसे अपने क्लाइंट को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाओगे तो यहाँ पे जो है क्लाइंट अपने आप को सिक्योर फील करता है और फिर क्यों ऐसे थॉट्स उसके मन में आए उसको

सिंपल सिंपल क्लरिफिकेशन के थ्रू आप अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करोगे जिसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं मान लो आपका क्लाइंट बोलता है कि मैं तो गवर्नमेंट के लिए बम बनाऊंगा और बम बना के गवर्मेंट के ऊपर फेंकूंगा तो आपने कहा अच्छा अच्छी बात है फेंक दो बिल्कुल आओ लेकिन बैठो मेरे पास में ठीक है आपने क्या कहा आओ लेकिन बैठो मेरे पास में आप मेरे से बात करो कि आप ऐसा क्यों सोचते हो तो आपने कहा आप, अब मान लो क्लाइंट और थेरेपिस्ट की बात चल रही है मैं थेरेपिस्ट हूँ ये क्लाइंट है ठीक है बाजू में मेरे कोई क्लाइंट बैठा है अब क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा मुझे बहुत गुस्सा आती गवर्नमेंट के ऊपर तो थेरेपिस्ट ने कहा कि क्यों क्यों ऐसा क्यूं आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और क्या सोचते हो आप गवर्नमेंट के बारे में खुल के बताओ उस बारे में है ना तो यहाँ पे क्लाइंट मुझे बता रहा है कि गवर्नमेंट ने मान लो मेरे लिए जो है काम नहीं किया उसकी वजह से मैंने अपने किसी को लॉस कर दिया और उसकी वजह से जो है माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स उसने कुछ तो भी मतलब बताने की कोशिश करी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आप उस के थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे है ना आप उसको समझाओगे आप जो वो चीज़ बोल रहे हो उसको थोड़ा रिफ्रेस करोगे आप जैसे मान लो मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो उसने कहा कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए काम नहीं किया और मैं बहुत गरीब हूँ जिसकी वजह से मेरा घर जो है वो ढह गया मान लो एक एग्जाम्पल तो थेरेपिस्ट ने क्या कहा कि अच्छा तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए काम नहीं किया लेकिन ये भी तो हो सकता है मतलब गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए काम नहीं किया शायद कहीं और किसी चीज़ में बिजी रही होगी या उतना ध्यान नहीं दिया होगा हालांकि क्या सरकार आई थी या सरकार के लोग आए थे तो कुछ एक मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ठीक है उससे समझने की कोशिश करना कि कैसे जो है थोड़ा सा रीफ्रेस करके उसको समझाने की कोशिश वापस से उसके मन में जो है एक चेंज हमको लाना है जो भी पर्सपेक्टिव है तो वो अब जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ हमेशा मैंने ये एक चीज आप लोग को सिखाई है कि कभी भी दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो वहां जाके किसी को सपोर्ट मत करो या कभी भी जो है उन दोनों को शांत कराने की कोशिश मत करो मतलब होशियार नहीं बनो ठीक है उसका सुन लो वो जो भी बोल रहा है जस्ट सुन लो शांति से आप सुन लोगे ना सामने वाला अपने आप में थोड़ा सा काम हो जाता है फिर आप उसको कोई चीज समझाओगे तो शायद वो भी आपकी बात को सुनेगा ठीक है तो हमेशा जो मैं बोलती हूँ ऑब्जर्वर अच्छा होना चाहिए एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए हमेशा नहीं बोलना चाहिए बोलना चाहिए जब जरूरत हो तब बोलना चाहिए लेकिन पहले ऑब्जर्व करना सीखो पहले सुनना सीखो उसके बाद में बोलो ठीक है जब आप अच्छे से सुन लेते हो तो आप बोलते अच्छा हो

और उसको मतलब यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है इट हेल्प्स अ क्लाइंट हिज और हर रियल सेल्फ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो हमारी थेरेपी है वो क्लाइंट को सेंटर में रख रही है क्लाइंट के सारे फीलिंग सब कुछ इसके बारे में और बोलती है सेल्फ का कंसेप्ट तो एट लास्ट उसको क्लाइंट को उसके क्लाइंट के अपने सेल्फ से इंट्रोड्यूस करवाना होता है

विथ हिज वाइफ लॉरा पर्ल्स इसलिए इसको फेडरिक एंड पर्ल्स भी कहा जाता है तो इस थेरेपी को जो है फ्रेडरिक पर्ल्स ने दिया था उनकी वाइफ भी इसी में उनके साथ में थी जिनका नाम था लॉरा पर्ल्स तो जो गोल है गेस्टार थेरेपी का वो ये है कि हमको एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करना है सेल्फ अवेयरनेस जहां आप अपने फीलिंग्स इमोशंस थॉट्स इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हो और सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब आप जैसे भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो आप जैसे भी दिखते हो आप जैसा भी इमोशंस रखते हो आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं अच्छे हैं बुरे हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है ठीक है आपने बहुत बार देखा होगा लोग बोलते हैं अरे नहीं मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ मेरे अंदर तो वो कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर तो वो पोटेंशियल नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं हूँ मैं ऐसा हूँ आप कहीं ना कहीं अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हो सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत ही बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है बड़ी इन देंस मतलब ऐसे बोलो कि वो उन लोगों की चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो आप जैसे भी हो आपके अंदर कुछ नेगेटिव बातें भी हैं तो आप उसको चेंज करो लेकिन आप जैसे भी हो आप उसको अपने आप को एक्सेप्ट करो तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो है यहाँ पे गेस्टाल्ट अपनी थेरेपी देते हैं एंड द क्लाइंट टू दीज द इमोशंस ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम अवेयरनेस तो यहां पे क्लाइंट के जो भी सारे बॉडीली प्रोसेसेस हैं जो भी उसके इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए थे क्योंकि वो अपने बारे में नहीं जानता था और वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता था उसको यहाँ पर उन चीजों को रियलाइज करवाया जाता है थेरेपिस्ट अगेन यहाँ पर एक गाइड की तरह काम करेगा अपने क्लाइंट को इंकरेज करेगा टू एक्ट आउट ऑफ फेंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कंफ्लिक्ट दिस थेरेपी कैन ऑल्सो भी यूज इन ग्रुप सेटिंग तो आप बहुत बार अपने ख्यालों की दुनिया में जीने लग जाते हो तो उस दुनिया से बाहर आओ आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो अपने बारे में जानो तो गेस्टॉल थेरेपी के बारे में हालांकि ज्यादा नहीं बताया गया है लेकिन जितना डिस्कस किया है दैट यू नीड टू नो इसे ग्रुप सेटिंग्स में भी किया जा सकता है है ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीस से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं इसमें से कौन सी थेरेपी किसने दी जो है इस थेरेपी में क्या कहा जाता है इसमें क्या कहा जाता है तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप एटलीस्ट उन चीजों को लेके अवेयर रहो दैट आई आल्सो वांट ठीक है तो अच्छे से इन दोनों टॉपिक्स को भी कंप्लीट करो अपनी बुक में इनको रीड करो उसके बाद भी लगता है कि किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो वो बिल्कुल खुल के मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में मैं आपके सारे डाउट्स को आंसर करूंगी क्लियर तब तक के लिए लेकिन अच्छे से पढ़ाई जरूर करनी है चैप्टर के बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है और मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि एक बार उसको रीड करो अगर अब तक नहीं किया है तो उसको अच्छे से रीड करो कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए फॉर मोर अपडेट्स स्टेट विद मैग्नेट ब्रीन्स और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप कैसे मैग्नेट ब्र की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो जैसे कि आप जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रिट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ जो मैग्नेट मैगनेट की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जो मैग्नेट मैगनेट की वेबसाइट है दैट इज अगेन जो कि बहुत एक्सेसिबल है गूगल पर जैसे ही इसे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा यहाँ पर आपको हमारे टॉप कोर्सेज के साथ साथ हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे तो जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर आपको स्टडी करना है उस पर क्लिक करते जाना वॉच नाउ पर क्लिक करोगे वीडियो हो जाएगा ओपन बहुत सिंपल प्रोसेस है एक सीक्वेंस में सारी चीजें हैं यहाँ पर तो जो आपको एक्सेस करने में बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कोई पेमेंट आपको देनी है ना कोई कूपन हम आपको बेचेंगे सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट बेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस हंड्रेड परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके साथ ही साथ आप मैग्नेट बेन्स को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो तो आप फटाफट -फड़ से कर दो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसी के साथ में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच